भारत गुरु बचाओ भारत यात्रा हम लोग आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद भारत के अनेक जिलों आदिवासी संगल अभियान राजस्थान बंगाल बिहार उड़ीसा आसाम के लगभग 50 जिलों में काम करता है। तो आज से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। कल रांची में एक कार्यक्रम है, परसों रामगढ़ जिले में है, 20 तारीख को हजारीबाग जिले में है, 21 तारीख को जामताड़ा, 22 दुमका और 23 तारीख कोटा जिले। उसके बाद फिर 25 जनवरी को पुरुलिया में है, 26 जनवरी को बांकुड़ा और 31 जनवरी को चैबासा। इस प्रकार हम लोग 5 प्रदेशों के विभिन्न जिलों में जाएंगे। हमारा मकसद है ये जो पारसनाथ पहाड़, हम भारत के तमाम आदिवासियों का मारण गुरु है अर्थात ईश्वर है और इस पर हम लोगों को मालिकाना हक है। ब्रिटिश टाइम से 1911 में प्रिवी काउंसिल जो अंग्रेजों का उस समय सुप्रीम कोर्ट था लंदन में, वहाँ भी हमारे पक्ष में फैसला दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है अभी 5 जनवरी 2023 को हेमंत सोरेन सरकार ने लिख के दे दिया भारत सरकार को कि पारसनाथ पहाड़ जैनों का है, अर्थात हम आदिवासियों का गला काट के हमारे ईश्वर को बेचने का काम किया। तो हम लोग इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जनता को जगाएंगे, हर जिला में जनसभा करेंगे, हर जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो ये काम आज से हम लोग का शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ ये जो सरना धर्म कोड, इस मामले पर भी हम लोग मुखर हैं। हम भारतीय जनता पार्टी अर्थात 2024 के पहले यदि हमको सरना धर्म कोड लेना है तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसे में लेना होगा। हम उनको विश्वास में लेंगे क्योंकि 24 के पहले हमको लेना है तो उनसे ही हम ले सकते हैं। और उनके लिए हमने नारा दिया है सरना कोड दो, आदिवासी का वोट दो, अर्थात नरेंद्र मोदी जी का जरूर पॉलिटिकल एजेंडा होगा कि द्रौपदी जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है। इसका लाभ उन्होंने गुजरात में दिया, अभी अभी 27 MLA सीट में उन्होंने 24 सीट जीता, यही कहते हैं कि हमने पहली बार एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है, इस काम को कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो ज़रूर नरेंद्र मोदी जी की निगाह झारखंड बंगाल और उड़ीसा में है जहाँ अभी बीजेपी की सरकार नीति है। मुझे पूरा विश्वास है यदि वो सरना धर्म कोड देंगे तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार आ सकती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।